नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी युग लाइव। मैं उबैद वारसी मुरादाबाद से। मुरादाबाद एसएसपी ने आज सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर लोगों से अपील करी और साथ साथ मास्क लगाने के लिए भी जनता से अपील करी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, उनको 100 रुपये का पहले जुर्माना देना पड़ेगा और दूसरी बार में मास्क ना लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। आज सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एसएसपी साहब ने बताया कि जहां जहां जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उन लोगों को पर ख़ास तौर से कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पॉश एरिया हो या आसपास के जो भी इलाके हों। उन इलाकों के अंदर जो लोग भी विदाउट मास्क के घूमते मिलेंगे, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। शहर के कुछ लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम लोग जब आते जाते हैं उनको देखते हैं, कार्रवाई भी हो रही है। ये अनुरोध है, ये अपील भी है कि कोरोना का प्रसार रोकने का इस समय सबसे प्रभावी माध्यम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के रखना है। कुछ लोग ऐसा मास्क लगाते हैं जिसको ठीक तरीके से नहीं लगाते हैं, कहने को तो मास्क लगा हुआ है लेकिन नाक और मुंह खुले रहते हैं, तो ऐसे मास्क लगाने का भी कोई फायदा नहीं। उनसे भी अपील अनुरोध है कि मास्क को सही तरीके से लगाएं और जरूर लगाएं, क्योंकि ये हमको न सिर्फ संक्रमण से बचाता है बल्कि जो संक्रमण हमसे भी फैल सकता है उसको भी रोकता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है, बहुत जरूरी है। भारत में कोरोना के केसेस अभी भी आ रहे हैं, आने वाले दिनों में इसके प्रसार समय, इसके लिए जो सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई है उसका सभी लोग पालन करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने की भी कार्रवाई है। लॉकडाउन का के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के लिए मुकदमे भी लिखे जा सकते हैं। धारा 144 लगी है, यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठे हुए, तो उन पर भी जो है आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। ये सभी कार्रवाइयां पिछले दिनों में भी हुई हैं, लोगों को इसकी जानकारी भी है। ऐसा नहीं कि अब इतनी लंबी अवधि से चल रहे इस अभियान में लोगों को जानकारी ना हो। सरकार के माध्यम से और इवन कई पब्लिक फोरम से भी हर स्रोत से लोगों को कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, किंतु फिर भी कुछ लोग जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं या अज्ञानतावश ऐसा कर रहे हैं, तो उनको अपील और उनको सही जानकारी देने के साथ साथ जो लोग जानबूझकर अवहेलना करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी मुरादाबाद पुलिस द्वारा की जा रही है।